शो द कपिल शर्मा शो में लोगों को खूब हंसाया जाता है। इस शो के द्वारा कपिल शर्मा दर्शकों को हंसी और ठहाकों का जबरदस्त डोज देते हैं। इस शो में आए सेलेब्स से भी कपिल जमकर मजे लेते हैं और मस्ती करते हैं, लेकिन इस बार सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा खुद रो पड़े और उनके रोने की वजह बने पटना वाले खान सर। खान सर करोड़ों बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देते हैं और उनके पढ़ाने का ठेठ अंदाज लोगों को बेहद पसंद आता है। उनके इसी अंदाज के कारण बच्चों को मुश्किल पढ़ाई भी आसान लगने लगती है। खान सर के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। अभी हाल ही में खान सर को द कपिल शर्मा शो में बतौर गेस्ट बुलाया गया था, जिसका प्रोमो इंस्टाग्राम पर साझा किया गया था। इस शो में खान सर ने कुछ ऐसी कहानियां सुनाई जिसे सुनकर शो में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। दरअसल इस शो में खान सर ने भी अपने अनुभव के कई किस्से सुनाए, जिन्हें सुनकर हमेशा हंसते हंसाते रहने वाले कपिल की आंखों में भी आंसू आ गए। खान सर ने गरीबी से जूझते हुए कुछ ऐसे छात्रों की कहानियां भी सुनाई जिसे सुनकर शो की जज अर्चना पूरन सिंह भी भावुक हो गई। खान सर ने बताया कि उनके पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो मजदूरी करके या दूसरों के घर बर्तन मांझकर पैसा लाते हैं। ऐसे छात्रों से फीस लेने में उनके हाथ कांप जाते हैं। उन्होंने यूपीएससी की 2.5 लाख रुपए की फीस को घटाकर 5,500 रुपए कर दी है ताकि पैसे की कमी के कारण बच्चों को पढ़ाई से वंचित न रहना पड़े। एक अन्य छात्र का अनुभव साझा करते हुए खान सर ने बताया कि एक बच्चा है जो नाव में बालू भरता है और जब वह बालू बिकती है तो उसे पैसे मिलते हैं। ऐसा बच्चा जब इतनी मेहनत और मुश्किल से कमाया हुआ पैसा लाकर मेरे हाथ में देता है तो उस पैसे को लेने में मेरे हाथ कांप जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके एक बैच में एक छात्रा है जिसने शाम की कोचिंग को सुबह शिफ्ट करने के लिए कहा। उससे वजह पूछने पर पता चला कि शाम को उसे कहीं बर्तन मांजने जाना होता है। इन सब के साथ ही खान सर ने कहा कि उनका सपना है कि इस देश के किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। पैसों की वजह से ही वह अपनी तरफ से बच्चों की पूरी मदद करते हैं ताकि वह पढ़ सके और अपने सपने साकार कर सके। खान सर ने शो में ऐसी कई प्रेरणादायक किस्से साझा किए। खान सर के अनुभव को सुनने के बाद शो के होस्ट कपिल शर्मा, जज अर्चना पूरन सिंह समेत सभी दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए।